वेजिटेबल सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है लौकी। लौकी का हमने छिलका नहीं उतारा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लौकी काफी न्यूट्रिशियस होती है, इसके पेल में भी उतना ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा हमने लिया है पालक, पालक की पत्तियां निकाल ली हैं। इसके अलावा हमने लिया है टमाटर, टमाटर मैंने लिए हैं दो, इसको हमने खड़े ही रखे हैं क्योंकि अभी हम उसको बॉइल करेंगे। इसके अलावा मैंने लिया है गाजर, ये है अमरूद, चुकंदर, दो लाल मिर्च सूखी हुई, लहसुन, अदरक का टुकड़ा, नींबू। अब हम आपको बता दें कि हम जो प्रेशर कुकर में सीटी लेंगे बॉईल करेंगे, तो बॉईल करने के लिए हम इसमें डालेंगे लौकी, पालक, टमाटर, गाजर, लहसुन और अदरक, इनको हम बॉईल करेंगे, सीटी लेंगे। और जो ये हमारे बीटरूट्स हैं यानी चुकंदर हैं और जो अमरूद हैं इनको हम डालेंगे, जब हमारी बॉईल हो जाएगा कुकर में सीटी हो जाएगी उसके बाद जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे चुकंदर और अमरूद। इसके अलावा मैंने लिए हैं मसाले, तो मसालों में मैंने लिया है इलायची, तीन इलायची लिए हैं, ये हमारा तेजपत्ता, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, लौंग, हल्दी और नमक। नमक अगर आपके पास काला नमक अवेलेबल हो तो आप उसको भी उसको ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया है। इसमें आप हींग भी ऐड कर सकते हैं जो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। हल्दी यदि आपके पास कच्ची खड़ी हल्दी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम काली मिर्च को खड़ा नहीं डालेंगे, हम इसका थोड़ा सा पाउडर बना लेंगे। अब कुकर में सीटी देने के लिए हमने लौकियाँ डाल दी हैं, पालक डाल दी है, टमाटर ऐड कर दिया है, गाजर, ये सब ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैं आपको बता दूं पानी हम सिर्फ उतना ही ऐड करेंगे जितना कि हम ग्राइंड करने में भी हेल्प ले सकें, ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। देख सकते हैं मैंने इसमें दो ग्लास पानी ऐड किया है क्योंकि लौकी को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम इसमें सीटी लेंगे कम से कम चार से तीन से चार। अब इसमें हम हल्का सा सॉल्ट भी ऐड कर देंगे, सॉल्ट हम बाद में भी ऐड करेंगे जब हमारा सूप हम ग्राइंड करेंगे, बट अभी इसलिए ऐड किया है क्योंकि हल्का सा वो इसमें ऐड हो के थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। फ्लेम हम हाई ही रखेंगे, सीटी हम हाई फ्लेम पर ही लेंगे, लो नहीं करेंगे। वेट करते हैं अब सीटी आने का। देख सकते हैं प्रेशर कुकर में बॉयल आने की सीटी आने के बाद हमने ली थी चार से पांच सीटियां। इसके बाद में हमने ये जो सूप है हमारा सारी वेजिटेबल्स हैं उसको निकाल लिया है एक जार में, मिक्सी का जार में, और देख सकते हैं आप। बाकी पानी यदि आपका ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या करेंगे कि आप ना वो पानी को थोड़ा सा अलग कर देंगे क्योंकि ज़्यादा पतला हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, काली मिर्च इसी में ऐड कर दिया मैंने इसको। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, देख सकते हैं ग्राइंड हो गया है। इसका इतना ज़्यादा रेड कलर आया है क्योंकि हमने इसमें चुकंदर ऐड किया है, यदि आप चुकंदर ऐड नहीं करेंगे तो इतना ज़्यादा रेड नहीं आएगा, थोड़ा सा लाइट कलर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको छन्नी से छान लेंगे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा छाना हुआ है आप देख सकते हैं, और जो इसका ये है इसको हम अलग कर देंगे। इस तरीके से हम पूरा छान लेंगे, देख सकते हैं आप इसको छान लिया है हमने, तो जो इसकी थिकनेस है वो थोड़ी सी कम हो गई है बट ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले रखेंगे एक पैन, तो हमने पैन रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, ऑयल डाल दिया है हमने। अब हम इसमें डालेंगे, जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हमारे जो खड़े गर्म मसाले हैं वो अब जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा, सौंफ, लौंग, तेज पत्ता, ये सब जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हमारा सॉस। अब हम इसमें डाल देंगे सॉस,
देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि नमक हम डाल चुके थे इसलिए हम नमक थोड़ा कम डालेंगे। अब डालेंगे इसमें हल्दी, हल्दी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब हम इसको मिक्स करेंगे। देख सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे मटर। मटर हमने ग्राइंड इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि मटर अच्छे लगते हैं जब हमारे वो थोड़े थोड़े मुंह में आते हैं। इलायची ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो कोई ऐसा नेसेसरी नहीं होता है, बट हम डाल देते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे मलाई। देख सकते हैं थिकोरा है। ठीक हो गया ये, अब हम इसको निकालेंगे। रेडी हमारा सूप। रेडी हमारा यम्मी यम्मी सा सूप। आप इसमें चाहें तो टोस्ट जो होते हैं वो भी छोटे छोटे पीसेस उसके डाल सकते हैं, वरना आप ऐसे भी इसको टेस्ट कर सकते हैं।